आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शंस का स्केड्यूल निकाला गया जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए, और ये उधमपुर ज़िला जो है हमारा वो थर्ड फेज़ ऑफ इलेक्शंस में आएगा, जिसमें 5 सितंबर को यहाँ पे नोटिफिकेशन की जाएगी जब से नॉमिनेशन फाइलिंग की शुरुआत होगी। 12 सितंबर तक नॉमिनेशंस फाइल किए जाएंगे, 13 सितंबर को स्क्रूटनी की तारीख है और 17 सितंबर तक लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन रहेगा, और 1 अक्टूबर को यहाँ पे डेट ऑफ पोल रहेगी। तो आप सभी के माध्यम से मैं स्केड्यूल लोगों की जानकारी के लिए देना चाहती हूँ। और उधमपुर ज़िले में 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, उधमपुर ईस्ट, उधमपुर वेस्ट, रामनगर और चिनैनी, और हमारी चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में 654 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें हम इस बार कई यूनिक इनिशिएटिव्स भी लेंगे, जिसमें कि वुमेन पोलिंग स्टेशन रहेगा, स्पेशल डिसेबिलिटी वोटर्स द्वारा चलाया गया पोलिंग स्टेशन रहेगा, यूथ मैंड पोलिंग स्टेशन रहेगा और ग्रीन पोलिंग स्टेशन रहेगा। सभी पोलिंग स्टेशंस में AMF अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की सुविधा रखी जाएंगी। आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को अपील करना चाहते हैं कि वो ज़रूर इस इलेक्शंस के महोत्सव का हिस्सा बने, और 1 अक्टूबर 2024 को जब उधमपुर में पोल होगा तो वो बढ़ चढ़ के हमारा साथ। स्वीप कैंपेन, जिसमें हम वोटर्स की जागरूकता के लिए हम कई कार्यक्रम कराते हैं, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। और पिछली बार जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हमने पूरा एनालिसिस किया, जिन जिन पोलिंग स्टेशंस में यूटी एवरेज या डिस्ट्रिक्ट एवरेज से कम वोटिंग गई है, वो पोलिंग स्टेशंस हमारे लिए फोकस रहेंगे, ताकि उनमें अगर किसी भी तरह की लोगों को बाधा आती है वोट देने में, या उनको किसी भी तरह की कोई रिजर्वेशंस हैं कि वो वोटिंग के लिए टर्नआउट उनमें कम रहा, तो वो एनालिसिस करते हुए हम अपनी स्वीप स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से डिवाइस करेंगे। हमारी कोशिश पूरी ये रहेगी कि नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, और हर वोटर को हर तरह की सुविधा मिले, ताकि वो पोलिंग स्टेशन में आके अपना वोट ज़रूर कास्ट करें।